उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो जग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ श्री हरि दारुमय रूप में विराजमान है। वर्तमान मंदिर का निर्माण कार्य कलिंग राजा अंतर्वन ने आरंभ कराया था। 1197 में उड़ीसा शासक अनमंगी देव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ एक रत्नमंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित हैं। माना जाता है कि इन मूर्तियों की पूजा अर्चना मंदिर निर्माण से कहीं पहले से की जाती रही हैं। कलिंग शैली में बना यह मंदिर भारत के स्मारक स्थलों में से एक माना जाता है। वैसे तो भारत के बहुत सारे मंदिरों के साथ आश्चर्य जुड़े हुए हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर से जुड़े आश्चर्य बहुत ही अद्भुत हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के जाकर कोई भी इन आश्चर्य को देख सकता है, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी अभी तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हमेशा हवा के खिलाफ लहराता है झंडा। प्रभु के मंदिर के शिखर पर स्थित पवित्र ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, यह एक आश्चर्य बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस झंडे से जुड़ी हुई है, यह कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाली व्यक्ति भी उल्टा चढ़कर ध्वजा तक पहुँचता है। मान्यता है कि यदि एक दिन ध्वजा को ना बदला जाए तो मंदिर के द्वार 18 साल तक बंद हो जाएंगे। सीधा नज़र आता है सुदर्शन चक्र। यहाँ मंदिर के शिखर पर ही अष्टधातु से निर्मित सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसके दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। इस चक्र की विशेषता यह है कि यदि किसी भी स्थान से या किसी भी दिशा से इस चक्र को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे इसका मुंह आपकी तरफ है और ये बिल्कुल सीधा नज़र आता है। कम नहीं पड़ता है प्रसाद। श्री जगन्नाथ मंदिर स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसके साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकाने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे पर प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में पकता है। हैरानी की बात यह भी है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती लहरों की आवाज़। यह भी किसी रहस्य से कम नहीं लगेगा कि जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार से प्रवेश करने पर आप समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन मंदिर से एकदम बाहर आते ही लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। विशेषकर शाम के समय आप इस अद्भुत अनुभव को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। यह कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन प्रभु जगन्नाथ मंदिर तो इस कहावत को सच होते हुए आप देख सकते हैं। पक्षियों का मंदिर के ऊपर से उड़ना तो दूर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर तक मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते हैं। जहाँ बहती है हमेशा उल्टी हवा। अक्सर देखने में आता है कि समुद्री इलाकों में हवा का बहाव दिन के समय समुद्र की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है। हवा धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है, लेकिन यहाँ चमत्कार है कि हवा दिन में धरती से समुद्र की ओर और शाम को समुद्र से धरती की ओर बहती है। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।